आप लोग जानते हैं कि हमारा देश पहले अंग्रेजों का गुलाम था। हमारे देश के कुछ क्रांतिकारियों ने इस देश को अंग्रेजों की गुलामी से आजाद कराया। 1947 में हमारा देश आजाद हुआ, तब से हमारा देश बराबर आगे बढ़ रहा है, प्रगति कर रहा है, तरक्की कर रहा है। हमारे देश ने इंडस्ट्रीज में तरक्की की है, हमने मेडिसिन में प्रगति की है, और हम लोग एग्रीकल्चर में भी हमने आगे बढ़े। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, आप लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हैं? Yes, आप लोग टीवी न्यूज देखते हैं? Yes, अब जो टीवी पर आप देखते हैं, अखबारों में, न्यूज़पेपर में जो पढ़ते हैं, उसके आधार पर मुझे बताइए कि हमारा देश कौन कौन से फील्ड में आगे बढ़ा है, प्रगति की है और बढ़ रहा है, कौन बताएगा? यस बेटे, यू आप बताइए। लिखो, हमारे देश ने कौन कौन से फील्ड में तरक्की की है, हम आगे बढ़े हैं। लिखो बेटा, तुम अखबार पढ़ते हो ना, टीवी भी देखते हो, उसमें आप क्या देखते हैं? देश हमारा बढ़ रहा है, कौन कौन से फील्ड में बढ़ रहा है, लिखो बोर्ड पर। कॉलेज बाजार कभी बंद है, कई जिलों में दंगाई बड़ी बड़ी संख्या में, आत्महत्या करने कर्ज में डूबे किसान, यानी करीब 3 करोड़ रुपए की रिश्वत और 64 अत्याचार। लिखो, क्या भारत को महासत्ता बनने के लिए इन बातों की जरूरत है? इन बातों की जरूरत है? बच्चों को तो समझ आ गई, अब मुझे और आपको कब आएगी? नफरत की अंधियारी रात मानवता का राज चलेगा, हिंदू मुस्लिम साथ चलेगा। देखो सोचो समझो यार, बंद करो ये अत्याचार।